जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अफ्रीका की मैरिटाइम, एरोस्पेस और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा भारत। कैरकिल कंपनी अपने कार्बाइंस को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए स्थापित करेगी एक बड़ी फैसिलिटी। पीओके वापस लेने के लिए इंडियन आर्मी को है केवल भारत सरकार के आदेश का इंतजार। आर्मी खरीदेगी 120 लॉयटरिंग म्यूनिशंस के साथ एरियल टारगेटिंग सिस्टम के 10 सेट और परमाणु हथियार बनाने के लिए पाकिस्तान यूक्रेन को दे रहा है तकनीकी सहायता। इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के वर्षों में जो भारत है वो एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह उभर कर सामने आया है। और इतना ही नहीं बल्कि 2017 से 2021 के दौरान जो मॉरिशियस, मोजाम्बिक और सेशल्स हैं वो भारतीय हथियारों के प्रमुख खरीदार रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एरोस्पेस, डिफेंस, मैरिटाइम इक्विपमेंट और वेसल्स के क्षेत्रों में जो एक कॉपरेशन बढ़ा है तो वो अफ्रीका की सिक्योरिटी और इनहेंस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को सुनिश्चित करता है। और इसी सेम टाइम पर 2025 तक जो भारत ने $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट टारगेट बनाया है तो अफ्रीका के साथ बड़ा ये कॉपरेशन इस टारगेट को और जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। और जो भारत के मिलिट्री व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, तो वे भी ऑलरेडी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। और इस रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि इस कॉपरेशन को आगे बढ़ाते हुए मैरिटाइम सेगमेंट में जितनी भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, फिर चाहे वो अनमैन्ड अंडरवाटर सिस्टम्स हो, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हो, ड्रोन्स हो, तो ये सभी भी अफ्रीका को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इंडियन ओशन रीजन में एक सेफ और सिक्योर मैरिटाइम एनवायरनमेंट को सुनिश्चित करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की तरह हैं, विशेष रूप से अफ्रीका में इंडियन ओशन के 9 तटवर्ती देशों के बीच, जिनमें कॉमरोस, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, सोमालिया, साउथ अफ्रीका और तंजानिया आते हैं। और बाकी भारत के लिए एक मेजर शिपिंग लिंक के तौर पर जो इंडियन ओशन है वो इन सभी देशों के लिए एक कॉमन फैक्टर रहा है। और ये भारत और अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी और कॉमर्स दोनों ही तरीके से बेहद महत्वपूर्ण है। और 2017 से 2021 तक अफ्रीका में जो मॉरिशियस, मोजाम्बिक और सेशेल्स भारतीय हथियारों के प्रमुख खरीदार रहे हैं तो इसमें मॉरिशियस की परसेंटेज है 6.6%, मोजाम्बिक की है 5% और सेशेल्स की है 2.3%। और बाकी इस रिपोर्ट में भारत और अफ्रीकन कंट्रीज के कॉपरेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी को भी एक महत्वपूर्ण पोटेंशियल एरिया की तरह हाईलाइट किया गया है। बाकी आपको ये भी बता दें कि इस रिसर्च रिपोर्ट को जारी करने वाला जो इंडिया एग्जिम बैंक है तो वो पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आने वाला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को देखता है। jains.com की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई बेस्ड स्मॉल आर्म्स बनाने वाली कैरकिल कंपनी अब भारत में अपने स्मॉल आर्म्स के एक फुल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को अचीव करने की योजना बना रही है। और इसके लिए कैरकिल कंपनी ने हैदराबाद बेस्ड आईकॉम कंपनी के साथ एक एमओयू भी साइन किया है। और इस इंडियन कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ जो स्मॉल आर्म्स भारत में प्रोड्यूस होंगे तो वे कैरकिल इंडिया बिजनेस के अंडर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। jains.com के साथ बात करते हुए कैरकिल कंपनी के सीईओ का यह भी कहना था कि शुरुआत में उनके हथियारों के कुछ कॉम्पोनेंट्स सीधे यूएई से सप्लाई होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि 4 वर्षों के अंदर सारे एलिमेंट्स भारतीय कंपनी द्वारा ही मैन्युफैक्चर और डिलीवर किए जाएं। बाकी जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि 2018 में इसी कैरकिल कंपनी ने इंडियन आर्मी को करीब 90,000 कार्बाइंस डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिसमें वे अपनी कार 816 कार्बाइन को ऑफर कर रहे थे, लेकिन फिर मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2020 में इस डील को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि भारत को कार्बाइंस के लिए एक इंडियन अल्टरनेटिव चाहिए था। और फिर इसी साल सितंबर के महीने में आर्मी ने 5.56 mm कैलिबर की कार्बाइंस को खरीदने के लिए एक फ्रेश RFI भी जारी करी है। और इस बार के RFI में करीब 4,25,000 कार्बाइंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। और इसलिए आर्मी के स्टैंडर्ड में कैरकिल कंपनी एक बार फिर से अपने कार 816 कार्बाइन को पेश कर रही है। और कंपनी ऑफिशियल्स को पूरा विश्वास है कि इस टेंडर को जीतने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो वह पहले भी इस तरह के कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर चुकी है और उनकी कंपनी तकनीकी पहलुओं से भी अच्छी तरीके से अवेयर है। और बाकी मेक इन इंडिया को ही ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अब इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि भारत में स्वदेशी कार्बाइंस के कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं तो उस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर एक बयान दिया गया था जिसमें उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य गिलगित बाल्टिस्तान जैसे हमारे क्षेत्र को वापस लेने के साथ पूरा होगा। तो अब रक्षा मंत्री के इस बयान पर अभी हाल ही में आर्मी के जिनार कोर के कमांडर की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बयान देखने को मिला है जिसमें उनका यह कहना था कि जब एक केंद्र सरकार इस तरह का कोई भी फैसला लेगी तो उसके ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे और ऐसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है और भारत सरकार की तरफ से मिलने वाले ऑर्डर्स पर किसी भी तरह के एक्शन के लिए हमेशा रेडी है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक ताकत के अलावा
हम खुद को आधुनिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति में हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। पिछले 75 वर्षों में इंडियन आर्मी की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज काफी हद तक अपग्रेड हुई हैं। हमारी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे लेवल पर है और अब जब भी इस तैयारी को प्रदर्शित करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको एक बेहद ही अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि साफ सीधे और आसान शब्दों में कहा जाए कि जब भी भारत सरकार ये तय कर लेगी कि उन्हें POK कब वापस लेना है तो बस भारतीय सेना को आदेश का इंतजार रहेगा और एक बार आदेश मिलने के बाद फिर POK को वापस लेने वाले एक्शन पर भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। और अब ऐसे में हम अपने पड़ोसियों के लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाकी इसके अलावा चिनार कोर कमांडर की तरफ से LOC की स्थिति को लेकर यह कहा गया है कि यहाँ पे जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जब भी कोई अवसर होता है तो यहाँ पे घुसपैठ के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी फुल फोर्स के साथ तैयार है। इसके अलावा जब चिनार कोर कमांडर की तरफ से सीज फायर डिक्लेरेशन और आर्टिकल 370 के हटने के बाद की सिचुएशन के बारे में सवाल किया गया तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि 32 वर्षों में सबसे कम घुसपैठ देखते हुए घाटी में ये साल काफी अच्छा रहा है। इस पूरे साल में अक्टूबर महीने तक केवल 8 ही आतंकियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया है, जिनमें से 3 का ऑलरेडी सफाया कर दिया गया है। हालांकि उनकी तरफ सारे प्रयास अभी भी जारी हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने तंगधार सेक्टर में भी एक घुसपैठ को नाकाम किया है, लेकिन रही बात ओवरऑल सिचुएशन की तो पिछले वर्षों के कंपैरिजन में अब ये काफ़ी अलग हो चुकी है। अब घाटी में जो विकास कार्य हैं वो हो रहे हैं, अधिकतर आतंकी मारे जा चुके हैं और जो उन्हें पनाह देते थे तो उन्होंने भी इससे दूरी बना ली है। आज मंगलवार को भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर श्री गिरिधर अरमाने ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अभी के समय डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर उनकी ये नियुक्ति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार अभी ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। बाकी आपको बता दें कि श्री गिरिधर अरमाने 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं जो कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी के तौर पर सर्व कर रहे थे और अपने 32 वर्षों के IAS करियर के दौरान ये केंद्र सरकार के साथ आंध्र प्रदेश सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पोजीशंस पर रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज इंडियन आर्मी चीफ ने रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बटो शेरिंग के साथ कई अलग अलग इश्यूज पर बात करी है और इतना ही नहीं बल्कि दोकलाम प्लेटू में भूटानीज टेरिटरी के अराउंड चीन द्वारा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाए जाने के बीच भारत और भूटान के बीच बायलेटरल मिलिट्री टाइज को एक्सपेंड करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस बातचीत के दौरान भारत और भूटान के डिफेंस कॉपरेशन के कई महत्वपूर्ण डायमेंशंस को फोकस किया गया था और दोनों देशों के कमांडर्स ने इवॉल्विंग रीजनल सिक्योरिटी सिनेरियो को भी रिव्यू किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सोमवार से इंडियन आर्मी के बीच कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है जिसमें आर्मी के टॉप ब्रास बॉर्डर्स के साथ सिक्योरिटी सिचुएशंस को रिव्यू करेंगे और सिक्योरिटी और ऑपरेशन प्रिपेयरनेस से संबंधित सभी पहलुओं को डिस्कस किया जाएगा और 4 फ्रिक्शन पॉइंट से भारत और चाइना के डिसएंगेजमेंट के कंप्लीट होने के बाद ये पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसे नए तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है जिससे डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक पुश मिले ताकि ट्रूप्स के लिए और भी अधिक स्वदेशी वेपन सिस्टम्स के विकास को बढ़ावा मिल सके। बाकी आर्मी से ही जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन आर्मी 120 लॉयटरिंग म्यूनिशंस के साथ करीब 10 एरियल टारगेटिंग सिस्टम्स के सेट्स को भी खरीदने की योजना बना रही है और इसके लिए आर्मी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी जारी किया है। ये जो खरीद है ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही की जाएगी। बाकी जो एक्सटेंडेड रेंज के एरियल टारगेटिंग सिस्टम होंगे तो उनकी मिनिमम रेंज 100 किलोमीटर तक होनी चाहिए, लॉन्च एल्टीट्यूड 4000 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए और ये कम से कम 8 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। और रही बात एंड्योरेंस टाइम की तो वो कम से कम 2 घंटे का तो होना ही चाहिए। अगर टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने की कैपेबिलिटी, दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में यूजर कंट्रोल ऑप्टिकल इंटरफेस का इस्तेमाल करके टारगेट एक्विजिशन की कैपेबिलिटी, अबॉर्ट री अटैक और री यूज करने की कैपेबिलिटी और सभी वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा और अनंतनाग में एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अवंतीपुरा वाले एनकाउंटर में 3 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है जिसमें से एक की पहचान सुअरों को संगठन लश्कर के कमांडर मुख्तार भट्ट के तौर पर हुई है और इनके पास से एक AK-74 राइफल, एक AK-56 राइफल और एक पिस्टल भी रिकवर की गई है। और पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक आज इस एनकाउंटर में जो ये 3 सुअर मारे गए तो ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर एक सुसाइड अटैक करने की योजना भी बना रहे थे और इसलिए समय पर इनको साफ करके एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। इसके अलावा अनंतनाग में जो एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें भी एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है। बाकी ऑपरेशन जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 हाइब्रिड टेररिस्ट को भी गिरफ्तार किया है और इनके पास से 10 किलोग्राम का बकेट IED और 2 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रशिया की फेडरेशन काउंसिल की डिफेंस कमेटी के एक मेंबर की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान और यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजीज को डिस्कस किया है। इसके लिए यूक्रेन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो पाकिस्तान गए थे
और परमाणु हथियार बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज और जानकारी पर चर्चा करने के लिए वहां से एक डेलीगेशन प्राप्त किया, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में टेक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और रशिया की तरफ से जो आरोप लगाया गया खास करके तब है जब अभी कुछ ही दिनों पहले रशिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने के लिए डर्टी बॉम्ब्स बना रहा है। डर्टी बॉम्ब जिसे आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह देख सकते हैं। और रशियन सेनेटर का यह भी कहना है कि ये कोई राज की बात नहीं है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी इस परियोजना में निवेश कौन कर रहा है। और इसलिए रशिया का यह भी आरोप है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने यूके और यूएस काउंटर पार्ट के साथ भी न्यूक्लियर वेपन्स वाले इशू को डिस्कस कर रहे हैं और एक लो यील्ड न्यूक्लियर चार्ज को टॉर्च का यू एमिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले इस बात का भी खुलासा हुआ था कि रशिया के खिलाफ जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन के लिए किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से हथियार भी सप्लाई कर रहा है। और वैसे में रशियन सेनेटर की तरफ से ये भी दावा किया जाना कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी मदद कर रहा है, तो इस बात की संभावना बन रही है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। और बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया कि ड्रोन सप्लाई करने के बाद अब जो ईरान है वो रशिया को मीडियम रेंज की मिसाइल्स भी सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही राजेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी आज ईस्टर्न कमांड आर्मी एविएशन कोर और इंटेलिजेंस कोर का रेजिंग डे भी है। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंटेलिजेंस कोर का मोटो क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।